Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे and आप सबकी preparation बहुत अच्छी चल रही होगी because अब time आ चुका है अपनी speed पकड़ने का. November ख़त्म होने वाला है, then December and then it will be new year. जिस year में आपको exams देने हैं, मुझे exams देने हैं. So yes, time आ चुका है, but उसी के साथ अब कुछ फेस्टिवल्स भी हैं, कुछ दिन हैं जो ये थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट स्टिल हम अपना ट्राई करेंगे कि हम अपना बेस्ट दें हर एक दिन में जितना हम कोशिश कर सकते हैं. सो आज मैं सुबह उठी एंड मैंने सोच लिया था आज का दिन मुझे बहुत प्रोडक्टिव बनाना है. आई विल गिव माई बेस्ट एंड आज काफ़ी मूड अच्छा था. सो सबसे पहले मैंने अपना स्टार्ट किया फर्स्ट लॉट एथिक्स का एंड आज होगा एथिक्स का लास्ट लॉट. आज मैंने आंसर राइटिंग करनी है एथिक्स की एंड कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करना है एंड ओवरऑल वाइंड अप कर देना ये टॉपिक. लेटर ऑन जब हमें टाइम मिलेगा तो हम इसको वापस से रिवाइज करेंगे एंड टाइम टू टाइम विल ट्राई टू रीड मोर केस स्टडीज, विल ट्राई टू बी इन टच विद दिस सब्जेक्ट. But for now, I'll be closing it so that we can start with another subject. So, ये सब start किया मैंने and सुबह का slot मेरा था 2.5 hours का from 8:30 to 11 and मैंने case studies solve की, 4 case studies आज solve की. ये सेशन वाइंड अप करके मैंने जल्दी से 5-10 मिनट्स की स्किपिंग कर ली क्योंकि अब होने वाली है दिवाली प्रिपरेशन स्टार्ट. सो सबसे पहले जैसे आपको पता है साफ सफाई एंड ये सब, सो कर तो सब मम्मा ही कर रहे हैं बट कुछ चीज़ों में उनकी हेल्प करवा रही हूँ मैं. सो जैसे कि जो छोटे मोटे काम होते हैं तो उनमें मैं उनकी हेल्प करवा देती हूँ. सो वो ब्रेक टाइम में वही सब में बिजी हो गई. सो उसके बाद मैंने अपना लंच किया, मीन्स होता लंच का टाइम है बट मेरा ब्रेकफास्ट या फिर कह सकते हो फर्स्ट मील ऑफ द डे इसी टाइम पे होती है लेट. एंड उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी दिवाली के लिए एंड जो कि अब स्लोली एंड ग्रेजुअली आना शुरू हो गई हैं. सो आज मेरा फर्स्ट पार्सल रिसीव हुआ. सो आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल ऑल्सो कि मैंने क्या चीज़ें ऑर्डर की थी. सो ये थी लाइट्स जो कि मैंने सोचा है कि मैं अपने रूम में लगाऊंगी बिकॉज मुझे लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं. सो ये मैंने ऑर्डर की थी, 189 रुपीज़ की थी आई गेस. सो ये मुझे बहुत सुंदर लग रही थी. सो मैंने सोचा था इसको कि चलो अब थोड़े दिन में कल या फिर नेक्स्ट डे आई मैं इसको लगा दूंगी अपने रूम में, तो फिर आप देखना. एंड ये सब करने के बाद 2:40 पे मैंने अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट किया एंड जिसमें मैंने अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ किया, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए. देन उसके बाद जैसे कुछ चीज़ें होती हैं लर्न करने वाली तो उसको मैंने स्टिकी नोट्स पे लगा के वॉल पे लगाया. आपने नोटिस किया होगा कि मेरे रूम में स्टिकी नोट्स एंड ये सब चीज़ें बहुत कम है बिकॉज मेरी आदत नहीं है वॉल से पढ़ने की. अगर मुझे कुछ स्टिकी नोट्स या कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो मैं वो नोटबुक पर ही बनाती हूँ. सो या दैट्स वाई, वरना एस्पिरेंट के रूम में स्टिकी नोट्स ना हो वो लगता ही नहीं है रूम. बट या सबका अपना तरीका होता है पढ़ने का. सो उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पे चली गई थी वॉक करने एंड काफ़ी अच्छा मौसम था. सो थोड़ी देर वॉक की आज
इवनिंग स्नैक में बनाया था ब्रेड पकोड़ा, सो वो मैंने एक खाया एंड उसके बाद हम पढ़ने बैठ गए। एंड ये है ना क्यूट, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने एक दो साल पहले ली थी एंड विंटर्स में ये काफ़ी अच्छी रहती हैं, पूरे फुट आपके कवर रहते हैं एंड ठंड नहीं लगती पाँव में एंड वॉर्म रहते हैं पाँव, तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगता है। सो मैं जब पढ़ रही होती हूँ तो मैं इनको पहन लेती हूँ। सो उसके बाद मैंने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का स्लॉट जो था वो स्टार्ट किया एंड जिसमें मैंने अच्छे से क्वेश्चंस को एनालाइज किया एंड उनके इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए। दिवाली हो और मिठाई ना हो ही नहीं सकता। सो उसके बाद खाना मैंने खा लिया था, खाने में था राजमा चावल। सो वो खाकर एंड सब कुछ करके मैं आ गई अपने लास्ट लॉट के लिए। एंड हिस्ट्री आज दिन में नहीं पढ़ी थी तो अभी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं एंड साथ में ही जो करंट अफेयर्स थे वो सब भी किया कवर। एंड इसी के साथ आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म। टाइम हो गया है 1 एंड मैं इस टाइम पर चले गई सोने एंड मुझे नींद आ भी गई। कोई 10-15 मिनट तक मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। उसके बाद मेरी नींद खुलती है एंड किस वजह से खुलती है, इतनी ज़ोर से बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, इतना तूफान चल रहा था एंड विंडो से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि मेरी नींद ही खुल गई है, मेरे को नींद आए ही ना। एंड फिर मैं रात को 2 बजे, ये आप देख सकते हो टाइम 2:15 हो रहे हैं, इस टाइम पे मैं फिर ये वीडियो देखने लग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मतलब क्या करूँ, कुछ मन कर रहा था देखने का, तो फिर मैं उठ के वापस ये देखने लग गई एंड उसके बाद मुझे नींद आई होगी कोई 3-3:30 के करीब। सो यस, ये सब भी होता रहता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट डे, सो आप देख सकते हो मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है, बट रात को इसने मुझे सोने नहीं दिया, बट कोई बात नहीं, नेचर तो नेचर ही है। सो उसके बाद मैंने अपना दिन शुरू किया। सो मैंने सोचा था रात को तो काफ़ी लेट हो गया था बट मेरे को अपना दिन प्रोडक्टिव करना था। सो आई जस्ट वेक अप, जिस टाइम पे मैं उठती हूँ, नींद को छोड़ो देखा जाएगा, अगर नींद आएगी तो सो लेंगे, बट अभी मैंने सोचा उठना है मुझे और मुझे पढ़ना है। एंड जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि लास्ट टू लास्ट डे रात को मेरा पूरा आउटबर्स्ट हुआ था, सो फाइनली उसके बाद काफ़ी रिलीव थी मैं एंड काफ़ी हैप्पी डेज निकल रहे थे ये वाले। सो अब जैसे मेरा एथिक्स कम्प्लीट हो गया, सो अब मैंने नेक्स्ट मेन सब्जेक्ट साइंस एंड टेक स्टार्ट किया, जिसमें मैंने कुछ लेक्चर्स जो थे ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए थे एक सर के एंड वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, मैं वही कर रही थी, तो कुछ लेक्चर्स बचे थे तो आई थॉट कि पहले उन्हीं को कंप्लीट किया जाए। एंड उसके बाद वो मैंने सेशन किया, उसके बाद नीचे साफ़ सफाई का काम चल रहा था। सो मैंने अपना रूम कल साफ़ करना था बट मैंने जब नीचे किया तो मैंने सोचा चलो अपना भी आज ही कर देती हूँ। एंड उसी के बीच में कुछ पार्सल्स फिर से आ गए, सो वो लिए एंड उसके बाद अपना रूम क्लीनिंग कंटिन्यू किया। सो मतलब जब आप पढ़ रहे हो ना, फिर उसके बीच में आपको ये सब करना पड़ जाए ना, तो थोड़ा सा ऐसा होता है यार टाइम चला गया, पर कोई बात नहीं, दिवाली भी तो साल में एक ही बार आती है। सो मैंने अपना रूम अच्छे से क्लीन किया एंड उसके बाद देखा पार्सल्स क्या थे। सो ये मैंने एक ऑर्डर किया था, 100 दियाज हैं इसमें। सो ये काफ़ी अच्छा था, मैंने इसको जलाकर देखा था। सो ये कोई 2.5 आवर एक दिया जला था, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे। एंड उसके साथ सेकंड जो चीज़ थी वो थी मेरी सैंडल्स। सो ये मैंने ऑर्डर की थी बिकॉज मुझे अपनी ड्रेस के साथ पहननी थी, सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड सही फिटिंग आई। सो ये पार्सल हुए। उसके बाद मैंने सोचा कि लाइट भी क्यों ना आज ही लगा ली जाए, बट आपको मैं क्या बताऊँ, इस लाइट ने मुझे इतना उलझाया, मैं 30-40 मिनट्स मुझे लगे ये सुलझ ही नहीं रही थी। मतलब एक बार तो मैं हिम्मत हार गई यार छोड़ो, बट फिर फाइनली जो एंड रिजल्ट था आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद इट एंड मुझे अपना रूम इतना प्यारा लग रहा था एंड इतनी अच्छी वाइब आ रही थी,
मतलब आप देख सकते हो कैमरा वो चीज़ जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट एक्चुअल रियलिटी में इतना सुंदर लग रहा था एंड पूरा येलो टिंट एंड ऐसे लग रहा था जैसे पूरे दिया ही दिया जल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा था सच्ची। मेरा तो रात को मैं इतना थक गई थी पूरे दिन साफ सफाई करके, बिल्कुल मन नहीं था पढ़ने का, बट इस एम्बियंस ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैं रात को भी पढ़ने चली गई। सो उसके बाद भूख लगी थी तो मैंने मैगी बना ली एंड वो खा के फ्रेशन अप होके मैं अपना शाम को आगे पढ़ने सिर्फ इस वजह से आई बिकॉज दैट एम्बियंस वॉज वेरी ब्यूटिफुल। सो उसके बाद मैंने एक टेस्ट दिया, जब मैंने कैंडल भी जला ली तो बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही थी एंड इतना मूड रिफ्रेश था, इतना मूड हैप्पी था। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू।